हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नो साजिद। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आप कैसे बहुत ही कम पैसा खर्च करके जियो का रिचार्ज कर सकते हैं। मान लो आप एक रिचार्ज करने वाले हो 399 रुपीज़ का, तो आप वो रिचार्ज उसका 50% यानी कि 200 रुपीज़ में कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इस वीडियो को आके देखते रहिए। अगर आपने अभी तक टेक्नो साजिद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए, यह बिल्कुल फ्री में है। और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दो बातें क्लियर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये एक ट्रिक है और मुझे पता नहीं कि ये ट्रिक कब तक चलेगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस हिसाब से अपडेट देता रहूंगा। तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पे अगर लिखा है कि ऑफर अभी भी चल रहा है तो ही आप ये करिए, नहीं तो आप मत करिए। और दूसरी बात यह है कि ये ऑफर करने के लिए आपको बहुत सारे प्रोमो कोड की ज़रूरत है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म की आपको ज़रूरत है। तो हो सकता है कि जो प्रोमो कोड आज है वो 6 महीने बाद ये प्रोमो कोड नहीं रहे, तो अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए मैं अपने वेबसाइट में एक पोस्ट डाल दिया, तो वहाँ पर मैं अपडेट करता रहूँगा उस वक्त, मतलब इस वक्त क्या क्या ऑफर वहाँ पे चल रहा है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ से जाके जब भी ये वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो आप उस लिंक को फॉलो करके वहाँ पे जो जो प्रोमो कोड आपको मिलेगा, जो जो प्लेटफॉर्म मान लो अमेजोन या फिर फ्री चार्ज मोड क्विक जो भी वहाँ पे लिखा है, तो उसके रिगार्डिंग आप वहाँ पे जाके वो करो और आपको काम हो जाएगा। अब आप ये रिचार्ज कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे जियो की मेन बैलेंस को। जियो की मेन बैलेंस को इस्तेमाल करके हम लोग ये रिचार्ज करेंगे और हम लोग इस्तेमाल करेंगे कैशबैक ऑफर को। अगर आपको कैशबैक ऑफर के बारे में नहीं पता तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मान लो आप एक रिचार्ज करने वाले हो 100 रुपीज़ को, तो वहाँ पे आपको कैशबैक मिलता है। हम लोग वहाँ पे 100% का जो कैशबैक होता है उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और नॉर्मली 100% कैशबैक मिलता है, लेकिन मैक्सिमम 50 रुपीज़ कैशबैक मिलता है। तो अगर हम लोग 100 रुपीज़ का रिचार्ज करेंगे या फिर कोई भी अमाउंट हम लोग रिचार्ज करेंगे 100, 200, 300, 400, लेकिन वहाँ पे हमें 50 रुपीज़ का कैशबैक मिलता है, ठीक है, अगर हम एक ही बार रिचार्ज करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे बार बार रिचार्ज करके हम लोग उसको जियो की मेन बैलेंस में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग मेन बैलेंस से वो रिचार्ज करेंगे, तो हम लोगों को बहुत कम प्राइस में ये हो जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा और विस्तार से यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों को 100 रुपीज़ का रिचार्ज करना होगा और उसका फुल टॉक टाइम हमें आपके जियो के अकाउंट में 100 रुपीज़ मिल जाएगा और वहाँ पे आपको 50 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा, ठीक है। वैसे हम लोग एक दूसरा रिचार्ज करेंगे दूसरे प्लेटफॉर्म में, सारे डिटेल्स आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पे मान लो फ्री चार्ज में हम लोग वापस एक 100 रुपीज़ का रिचार्ज करेंगे, तो वहाँ पे भी हम लोगों को 50 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा और 100 रुपीज़ हमारे जियो के अकाउंट में मेन बैलेंस में वापस जमा हो जाएगा। तो वहाँ पे 100 और 100, और ऐसे हम लोग और दो करेंगे, टोटल 4 रिचार्ज करेंगे, तो 100, 100, 100, 100, टोटल 400 का रिचार्ज होगा। मैं यहाँ पे 399 रुपीज़ का एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उसी का स्क्रीन रिकॉर्ड है। तो जो भी है हम लोग यहाँ पे 4 रिचार्ज कर लिया, 100, 100, 100, 100, तो 400 हमारे जियो के मेन बैलेंस में जमा हो गया। और यहाँ पे 4 प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग रिचार्ज किए थे जहाँ से, तो वहाँ पे 50, 50, 50, 50, टोटल 200 रुपीज़ जमा हो गया। तो आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे कोई टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह कुछ भी नहीं है। आप वहाँ से चाहो तो वहाँ पे आप 10 रुपये रिचार्ज कर सकते हो, 20, 30, 40, 50, जो भी आप वहाँ से रिचार्ज कर सकते हो, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ पे नहीं है। और आपके जियो के नंबर पे टोटल 400 का एक फुल टॉक टाइम मिल गया। अब उसको इस्तेमाल करके हम लोगों को रिचार्ज करना होगा। कैसे करना होगा मैं आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। लेकिन ये माई जियो का जो एप्लीकेशन है वहाँ से भी हो रहा है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो या फिर वेब से भी कर सकते हो। और हो सकता है बाद में फैसिलिटी बंद कर दिया गया, तो मैं उसके रिगार्डिंग अपडेट डिस्क्रिप्शन में अपडेट करता रहूँगा, तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिए। तो सारे रिचार्ज कंप्लीट हो जाने के बाद आप jio.com या फिर माई जियो एप्लीकेशन में जाके आप आपके जियो के नंबर पे साइन इन करो और उसके बाद यहाँ पे आपका मेन बैलेंस दिखाएगा। हालांकि यहाँ पे 400 दिखाना था, लेकिन मैं पहले टेस्ट करने के लिए 10 रुपये का रिचार्ज किया था, तो इसके लिए 407.7 हो गया। तो जो भी है यहाँ पे आपका जियो का नंबर मिलेगा और यहाँ पे आपको रिचार्ज पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ से आपका जो प्लान है आपको वो चूज करना होगा। मैं यहाँ पे 1.5 GB का जो पैक है 399 रुपीज़ का वो रिचार्ज करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली रिचार्ज पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट पेमेंट मेथड आएगा, नॉर्मली ये नहीं आता। अगर आपके मेन बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट वगैरह का ऑप्शन होता है, यहाँ पे अकाउंट बैलेंस का जो ऑप्शन है पहला ऑप्शन वो नहीं आता। तो यहाँ पे आपको सिंपली अकाउंट बैलेंस पे क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाएगा रिचार्ज अमाउंट विल डिडक्ट फ्रॉम योर अवेलेबल अकाउंट बैलेंस, और उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको पेमेंट कंफर्मेशन मिल जाएगा। और यहाँ पे आप सारे डिटेल्स देख सकते हैं, यहाँ पे 399 रुपीज़ का रिचार्ज हो गया मेन बैलेंस से। और थोड़ी देर बाद आप माय अकाउंट में जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वॉइस डेटा पैक मैसेज वगैरह सब कुछ एक्टिव हो गया। तो आपने देखा कि हम लोग कैसे जियो की मेन बैलेंस को इस्तेमाल करके रिचार्ज कर सकते हैं और बहुत सारी ऑफर लगा के हम लोग कैसे उस मेन बैलेंस को अचीव कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ठीक से समझा पाया। तो यहाँ पे हम लोग 399 रुपीज़ रिचार्ज किया सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ में, और जो 200 रुपीज़ का कैशबैक मिला 50, 50, 50, 50 करके, वो हम लोग कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ठीक से समझा पाया। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा हेल्प हुई तो प्लीज़ आप इस वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन है, डेफिनेटली बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या अच्छी नहीं लगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो
में इम्प्रूव कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सब लोग अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।